डायरेक्टर अश्विनी अय्यर ने कंगना रनौत के साथ नो इंटरफेरेंस क्लॉज की खबर पर किया रिएक्ट। फिल्म पंगा की डायरेक्टर अश्विनी अय्यर ने खुलकर कंगना को किया सपोर्ट। दरअसल खबर आई थी कि अश्विनी ने कंगना के साथ एक नो इंटरफेरेंस क्लॉज साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग कंगना पंगा की शूटिंग के दौरान डायरेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगी। लेकिन अब अश्विनी ने इस तरह के रूमर्स को गलत बताया है और कहा है कि वो कंगना के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। So now Kangana Ranaut and team can finally breathe a sigh of relief, क्योंकि अश्विनी अय्यर said कि जितनी भी न्यूज बाहर चल रही थी कि no interference clause sign किया है next film पंगा के लिए, वो baseless है, वो fake है। Yes, and that's a very good thing because you know, अगर इस तरह की न्यूज पे अगर बहुत ज्यादा तक अगर चुप्पी बनाई रखी जाती तो कहते हैं ना चुप्पी में भी हामी भर छुपी होती है। Yes. Like silence is also. तो अगर ये फिर एक रूमर फैल जाता कंगना के बारे में दैट नो इंटरफेरेंस क्लॉज किया जा रहा है, तो ये कंगना की इमेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब जरूर करती, दैट यू नो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। ऑलवेज कंगना को इस चीज के लिए टारगेट किया गया बिकॉज कंगना ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आके बोला है कि भाई मेल डायरेक्टर्स को मैं जब भी मेरा कुछ सजेशन देती हूँ तो उनका मेल ईगो हर्ट हो जाता है। हाँ। और फिर प्रॉब्लम होती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्हें कुछ चीज पसंद नहीं आती वो जो शूट कर रही है तो इवन इफ द डायरेक्टर रियली बिलीव्स इन इट, शी काइंड ऑफ पॉइंट्स आउट कि बॉस इट्स रियली नॉट वर्किंग, सो शी डजंट शाय अवे, शी इज एनीवे अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, शी हैज एडमिटेड इट हरसेल्फ। तो जो एक होता ना कि ये एक परसेप्शन सा बन गया है, ये एक्चुअली because she has also admitted it, because there are also fake rumors floating around, लोग कहते हैं कि कंगना रनौत is a rebel on set, you know, she kind of doesn't like anything, so she kind of says it openly. But I would not like to term it as rebel. इसे कहते हैं कि अगर कुछ गलत लग रहा है तो खड़े होके बोलना चाहिए, stand up for it. Yeah, stand up, and I really respect Kangana Ranaut for that. अगर कुछ गलत लग रहा है, because at the end of the day, in the end product, final product, people will there are some people who will judge the director, but everyone else, like a normal audience, we will judge the acting, right? Right. और बहुत अच्छी बात है कि अश्विनी अय्यर ने खुद एक statement बहुत जल्द जारी किया। It's just been like 2-3 days की ये news float हो रही है, and she clarified it, और ये बहुत जरूरी था कंगना रनौत के लिए, क्योंकि अगर future में कुछ भी होता, वो कुछ भी आगे सामने कहती that no, we hadn't signed anything like that, कोई उन्हें believe नहीं करता। Yeah. तो ये news, ये जो fake news थी, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। So it's really nice. और यहाँ पे एक चीज ये भी अच्छी है कि ये रूमर इसलिए क्लियर हो गया कंगना के फ्यूचर के लिए, बिकॉज यू नेवर नो, आगे भी क्या पता कंगना किसी डायरेक्टर को कुछ अपना सजेशन दें, उस समय फिर डायरेक्टर आके कुछ कंट्रोवर्सी करें, तो उस समय लोग क्या बोलेंगे, यार इसके साथ ना नो इंटरफेरेंस क्लॉज वाले में काम करो, पहले खबर आई थी ना, तो अच्छा हुआ ये क्लियर हो गया, वरना बाद में लोग यही बोलते कि बॉस ये तो रोज हमेशा का हो गया, पिक्चर साइन करने से पहले नो इंटरफेरेंस क्लॉज लेना ही पड़ेगा इनके साथ।